भारत सरकार हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत सीरियस है और उसको अच्छा बनाने में लगी हुई है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भारतमाला प्रोजेक्ट हो, रेलवे कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, या पोर्ट्स कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में और जानेंगे कि 7 साल में सागरमाला प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है और इससे भारत को कुछ फायदा हुआ है या नहीं। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत दुनिया की एक ऐसे जगह पे स्थित है जहाँ पे इंडियन ओशन के थ्रू वर्ल्ड का 13% ट्रेड होता है और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये 16% तक हो जाएगा। भारत का लगभग 90% ट्रेड इंडियन ओशन के रूट के जरिए से होता है, पर भारत इंडियन ओशन के रूट को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने सागरमाला परियोजना की शुरुआत की है। सागरमाला प्रोजेक्ट का पहला प्रस्ताव 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रखा गया था, पर फिर एक साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई और ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन हो गया। फिर भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत सागरमाला प्रोजेक्ट की नींव 31 जुलाई 2015 को रखी। सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन एम भारत के 7516 किलोमीटर लंबे कोस्ट लाइन और 14500 किलोमीटर पोटेंशियल वाटरवेज और मेजर इंटरनेशनल सी रूट को डेवलप करना है और साथ में भारत के पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना है और नए पोर्ट्स को बनाना है जिससे भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर इम्प्रूव हो सके। भारत 90% ट्रेड पोर्ट के जरिए से करता है और साल दर साल भारत का ट्रेड बढ़ता जा रहा है जिससे भारत के पोर्ट पे बोझ भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार सागरमाला की मदद से देश में नए पोर्ट्स बनवा रही है और पुराने पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रही है जिससे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, जिससे भारत का ट्रेड और एक्सपोर्ट बढ़ सके। सागरमाला का मकसद भारत में शिपिंग सेक्टर को भी डेवलप करना है। दोस्तों ये तो मैं आपको भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव किया जा रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ, पर अगर आपको भारत की एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानना है कि उस समय भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था तो इसके बारे में आप कुकू FM ऐप की मदद से जान सकते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया की ऑडियो बुक आप कुकू FM पर सुन सकते हैं। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें 1000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। कुकू FM में आपको हजारों वैरायटीज ऑफ नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स मिलेंगी बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस में। फिजिकल बुक्स है 100 टाइम कम प्राइस में। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप इन ऑडियो बुक्स को जॉगिंग करते वक्त, ट्रेवल करते वक्त, सोने से पहले या उठने के बाद कभी भी और कहीं पे भी सुन सकते हैं। इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप मेरे थ्रू कुकू FM में रजिस्टर करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यूज करिए कूपन कोड CPH50 एंड गेट 50% ऑफ, मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू FM को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर 5.48 लाख करोड़ रुपीस के 802 प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट 2035 रखा गया है। बीते 7 सालों में 99,000 करोड़ रुपए के 194 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं। PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू 45,000 करोड़ रुपए के 29 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 2.12 लाख करोड़ रुपीस के 218 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में जो 2 सालों में कंप्लीट हो जाएंगे और 2.37 लाख करोड़ के 390 प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट पाइपलाइन में है। इन प्रोजेक्ट को अभी असाइन करना बाकी है। अब आप पूछोगे कि 7 सालों में इतने प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं उससे फायदा क्या हुआ है, तो देखो बहुत फायदा हुआ है। 2014 में भारत के पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम 44.7 आवर्स का था जो 2022 में गिर के 26.58 आवर्स का हो गया। बंदरगाह के टर्न अराउंड का टाइम का मतलब ये होता है कि पोर्ट में जो शिप आती है वो कितने टाइम में सारे माल को अनलोड करती है और नए माल को लोड करती है। जिस देश का पोर्ट टर्न अराउंड टाइम जितना कम होता है उस देश का ट्रेड बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि पोर्ट टर्न अराउंड टाइम कम होने से पोर्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है और साथ में क्वालिटी सर्विस भी बहुत इम्प्रूव होती है। तो पिछले 7 सालों में आप देख सकते हैं कि सागरमाला प्रोग्राम की मदद से भारत के पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम 18 घंटे कम हुआ है। भारत सरकार इसे 16 से 18 घंटा करना चाहती है जो अभी 27 घंटे के लगभग है। इसके अलावा भारत सरकार ने बताया है कि बीते 7 सालों में सागरमाला
प्रोजेक्ट के अंडर 5,000 कैंडिडेट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरिटाइम एंड शिप बिल्डिंग CEMS की तरफ से 50 कोर्सेस में ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा 35,000 से ज्यादा कैंडिडेट को सेफ्टी ट्रेनिंग एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन की तरफ से ट्रेनिंग दी गई है। सागरमाला प्रोजेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिविटी एनहेंसमेंट, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में बंदरगांव को मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इस समय भारत में टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन के चलते देश में 6 नए मेगा पोर्ट्स को भी बनाया जा रहा है। पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंडर भारत के कोस्टल एरिया में 14 न्यू कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। इन कोस्टल इकोनॉमिक जोन में इनलैंड वाटरवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, कोस्टल एंड क्रूज शिपिंग और सोलर एंड विंड एनर्जी जनरेशन, ऑटो, टेलीकॉम और IT मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट बनाई जाएगी। कनेक्टिविटी एनहेंसमेंट, कनेक्टिविटी एनहेंसमेंट के अंदर भारत के सारे पोर्ट्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन और कंजप्शन सेंटर के साथ कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा सागरमाला की मदद से जो कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं उनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ जोड़ा जाएगा, जैसे कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कोस्टल इकोनॉमिक जोन को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जोड़ने से गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट बाहर से देश में आएगा तो वो DFC, भारतमाला, DMIC की मदद से देश के किसी भी कोने में बहुत ही आराम से पहुंच जाएगा। और अगर कोई भी प्रोडक्ट भारत में बन रहा है तो वो भी इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मदद से बहुत जल्दी पोर्ट में पहुंच जाएगा और फिर एक्सपोर्ट हो जाएगा। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, सागरमाला प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा फायदा कोस्टल कम्युनिटी को होगा। कोस्टल एरिया की डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो जाएगी। कोस्टल एरिया पे काफी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप होंगी, जिससे बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी। फिशरीज, एक्वा कल्चर की डेवलपमेंट होगी और साथ में कोस्टल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। कोस्टल एरिया में बहुत से लाइट हाउस बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, म्यूजियम बनेंगे, जिससे इन इलाकों में टूरिज्म भी बढ़ेगा। जैसे ही सागरमाला प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से भारत सरकार को हर साल लॉजिस्टिक में 40,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। आज के समय 1 लीटर डीजल की मदद से 24 टन कार्गो रोड के थ्रू 1 किलोमीटर तक जाता है, वहीं रेलवे के थ्रू 1 लीटर डीजल में 85 टन कार्गो 1 किलोमीटर तक जाता है, वहीं वाटरवेज के थ्रू 1 लीटर डीजल में 105 टन कार्गो 1 किलोमीटर तक जा सकता है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के कम्प्लीट हो जाने के बाद भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, साथ में टाइम की भी बचत होगी और गुड्स की मूवमेंट फास्टर हो जाएगी। सागरमाला प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे देश का लॉजिस्टिक सेक्टर की तस्वीर ही बदल जाएगी, साथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। सागरमाला प्रोजेक्ट की मदद से पोर्ट्स को DFC, भारतमाला और भी बहुत से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिससे देश में कहीं भी प्रोडक्ट बनेगा वो आसानी से देश के किसी भी कोने में पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। एक अनुमान लगाया गया है कि सागरमाला प्रोजेक्ट के चलते भारत का एक्सपोर्ट $110 बिलियन तक बढ़ जाएगा। सागरमाला प्रोजेक्ट से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सुधार आ जाएगा, जिसके चलते बहुत सी फॉरेन कंपनी जो अभी भारत में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, वो भारत में इन्वेस्ट करना चालू करेंगी, क्योंकि तब भारत में सब कुछ अवेलेबल होगा, जैसे कि बिग मार्केट, चीप लेबर और साथ में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा सागरमाला से देश में लगभग 10 मिलियन से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी। तो देखा जाए सागरमाला प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जिसका कमेंट मुझे सबसे सही लगेगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।